हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लालसा प्लांट के बारे में, और थ्रोटिक थनबर्जिया प्लांट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। थनबर्जिया की बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, बिग लीव्स वाले भी आते हैं, स्मॉल लीव्स वाले भी आते हैं। तो आज हम स्मॉल लीव्स वाले प्लांट के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी दूंगी। और इससे रिलेटेड अगर आपको मुझसे कुछ क्वेश्चन करना है, कोई भी सवाल आपके पास है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और प्रेस कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहेगी। तो नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम इसे लालसा प्लांट के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा रेड कलर की लीव्स देने वाला ये प्लांट है, और बहुत ही खूबसूरत करता है ये आपके गार्डन को। किसी भी ग्रीन प्लांट के बीच में अगर इसे रख दिया जाए तो ये आपके गार्डन की खूबसूरती को बहुत ही बढ़ा देता है। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कटिंग करके भी एक शेप दे करके अपने गार्डन में रख सकते हैं। जैसे आप इसे राउंड शेप दे सकते हैं, आप इसे लॉन्ग शेप दे सकते हैं, यानी कि कटिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से कटिंग कर रहे हैं इसकी। और जब मैं इसकी कटिंग शेयर करूँगी आपके साथ, तो वो वीडियो भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर इसकी लीव्स कितनी रेड कलर की होती है। नॉर्मल आपको किसी भी गार्डन में ये प्लांट देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है वो इसके शेप से है। आप इसे कोई भी शेप देंगे ना, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लूमिंग करता है, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके गार्डन की शोभा बढ़ाता है। किसी भी हरे प्लांट के बीच में, हरी पत्तियों वाले प्लांट के बीच में इस प्लांट को अगर आप रख देंगे, तो ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है और गार्डन की खूबसूरती को भी बढ़ाता है। आप अगर किसी प्लांट की बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो भी इस प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। लालसा प्लांट तो इसे कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर की लीव्स वाला होता है, और थनबर्जिया नाम से भी ये नर्सरी पर जाना जाता है। इसका साइंटिफिक नेम है थ्रोटिक थनबर्जिया प्लांट। अब इसके पॉट साइज़ की बात कर ले, अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं तो आप इसे लगा लीजिए। काफ़ी फैलता है प्लांट, नीचे नीचे से इसकी बहुत ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं, ऊपर की तरफ ये लंबाई में कम जाता है। लेकिन अगर आप गार्डन में लगा रहे हैं ना, तो ये लंबाई में भी जाएगा। कम से कम ये 3 या 4 3 फीट तक की हाइट तक जाता है, और आप इसकी कटिंग प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये अपने आप में एक शेप मेंटेन करके रखेगा। लेकिन अगर आप पॉट में लगा रहे हैं मेरी तरह, तो आप इसे 8 इंच से लेके कम से कम 12 इंच या 15 इंच तक का गमला दे सकते हैं। जितना बड़ा गमला और जितना शैलो पॉट आप इसे देंगे, ये उतना ही फैलता है। इसलिए इसको पिंच करके शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इसकी सॉइल मिक्स की बात करें, तो वेल ड्रेन्ड सॉइल बनाइए, यानी कि सैंड से युक्त आपको सॉइल बनानी है। आप चाहे तो एक हिस्सा गोबर खाद, एक हिस्सा मिट्टी जो नॉर्मल गार्डन सॉइल होती है वो, और एक हिस्सा आप इसमें कंस्ट्रक्शन सैंड या फिर कोई अदर एक ऐसा पार्टिकल यूज़ कीजिए, जैसे परलाइट है तो वो यूज़ कर लीजिए। उससे मिट्टी में पानी मेंटेन भी रहेगा, या आप कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं एक हिस्सा। तो बराबर बराबर मात्रा में यूज़ करके इसकी मिट्टी बनाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्लांट आपके गार्डन में बना रहेगा। प्लांट अगर आप पॉट में लगा रहे हैं तो वेल ड्रेन्ड सॉइल इसलिए होना ज़रूरी है क्योंकि अगर पानी पॉट में रुकेगा तो वो प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो प्लांट वहीं का वहीं डेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब अगर पॉट में पानी रुक रहा है, यानी कि उसकी प्लांट की जो जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट कभी भी सर्वाइव नहीं करेगा। ये हर प्लांट के साथ सिचुएशन होती है, और टेरेस गार्डनिंग में अधिकतर इसी वजह से प्लांट मर जाते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा प्लांट क्यों मर गया। ये सब के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। अगर इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें, तो इसके लिए कोई अलग से स्पेशल फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं। जो भी आप फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स को देते हैं, काउडंग कंपोस्ट है, किचन कंपोस्ट है या वर्मी कंपोस्ट है, आप वो इसे दे दीजिए। चाहे लिक्विड फॉर्म में दीजिए, चाहे आप इसे ड्राई फॉर्म में दीजिए। साल में एक बार भी आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे ना, तो भी ये सर्वाइव करता रहेगा। ये अपने समय से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ज़्यादा समर होता है तो ये अपने आप को थोड़ा सा रोक लेता है, लीव्स बर्न होने लगती है, और जब ज़्यादा विंटर होती ना तब भी अपने आप को रोक लेता है, और इसकी लीव्स भी बर्न उस समय भी होने लगती है। तो ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जैसे ही ज़्यादा समर और ज़्यादा विंटर निकल जाता है, तो ये फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि इसे आप पेरेनियल प्लांट भी बोल सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से ये ब्लूमिंग करता है, और पेरेनियल ये प्लांट है, तो आप इसे आप कभी भी लाके लगा सकते हैं, एक्सट्रीम समर और एक्सट्रीम विंटर को छोड़ के।
अगर इसके ऊपर पेस्ट अटैक की बात करें तो मैंने तो इसके ऊपर कोई पेस्ट अटैक देखा नहीं है। ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से, देखिए कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं, आपके गार्डन की शोभा को ये बढ़ाता रहेगा और अच्छे से आपके गार्डन में कलर अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर जगह दीजिए। अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में जगह देंगे ना तो पर्टिकुलर एक डेकोरेटिव आइडिया सोचिए कि आपको इसे कहाँ प्लेस करना है ताकि इसकी खूबसूरती और निखर के आए। तो इसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। आप फिर भी अगर कोई कीड़े से आपको डर है इसको ख़राब होने का तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं इसके ऊपर। और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको आंसर दूंगी। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुँचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।